लटेरी के वार्ड क्रमांक 1 भैया कॉलोनी में लोग बारिश के पानी से अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2-3 घंटे की बारिश ही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। हाल ही के दिनों में हुई बारिश से एक बार फिर से यहाँ का जीना मुहाल हो गया है। बारिश का पानी रहवासियों के घरों में घुस जाता है तो वहीं गंदा बदबूदार पानी एक तरफ लोगों के लिए परेशानी का सबब है, दूसरी तरफ बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी रहती है। रहवासियों ने ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को कोई खबर न दी हो, हमेशा शिकायत होती है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। नगरपालिका प्रशासन को बारिश पूर्व नालियां एवं नालों की सफाई करवानी चाहिए, वहीं कॉलोनी में सफाई भी नहीं हो पाती है, नाले चोक हैं, बारिश का पानी नहीं निकल पाता है। भैया कॉलोनी में जो रहवासी हैं उनका कहना है कि जलभराव की यह समस्या बहुत ही पुरानी है। यहाँ अगर देखा जाए तो वार्डवासियों ने SDM लटेरी को आवेदन भी दिया लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। हालांकि भैया कॉलोनी की यह समस्या कई वर्षों से बनी है और जब बरसात आती है तो समस्या फिर से सामने आ जाती है। इसके पूर्व अगर देखा जाए तो कलेक्टर विदिशा ने यहाँ अवलोकन तो किया लेकिन समाधान आज तक यहाँ के रहवासियों को नहीं मिला है। बहरहाल जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या है ये वार्ड क्रमांक 1 में? वार्ड क्रमांक 1 में जो समस्या है पानी की समस्या है जी। तो ये पुलिया में से पानी निकल नहीं रहा, प्रशासन ने आके इसकी सफाई करवाई और चला गया प्रशासन। जबकि इसमें कुछ दिन पहले बंसल कंपनी इसमें नाप तोल कर रहा था पुलिया में, मतलब बड़े पोल डालने के लिए, तो उसमें बड़े पोल भी नहीं डाले गए और उसने ऊपर से रोड पुरानी पुलिया पे रोड डाल दिया। तो मतलब बड़े पुल ये भी डल जाते हैं, पोल डल जाते हैं, तो क्या इस समस्या के निकाल हो सकता है? बड़े पोल अगर इसमें डलते हैं तो पानी इसमें से क्या है ज्यादा निकलेगा। अभी क्या है चौक हो गए हैं ये पुल, वो पुल जब से बंसल कंपनी ये बोल रही थी कि इस पे बड़े पुल अपन मतलब पोल जो है वो बड़े डालेंगे। आप कह रहे हैं सफाई करा दी, फिर कैसी सफाई करा? सफाई करा दी, सफाई का कोई हल नहीं है, वो चौक हो चुके हैं। सफाई किसकी कराई? सफाई यही पाइपों की, वो बाहर से साफ करके वो नगर पंचायत चली गई। पूरी तरह से सफाई नहीं, पूरी तरह से उसकी कोई सफाई नहीं हुई, पूरे पाइप चौक है। लापरवाही किसकी कहेंगे? लापरवाही प्रशासन की है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो कॉलोनी के लोग प्रशासन से कई बार आग्रह कर चुके हैं। यदि पानी यदि रोज ज्यादा गिरता है तो लोगों को क्या दिक्कतें आती है, क्या घरों में भी पानी भरता है? पानी अगर ज्यादा गिरता है तो पानी निकलने की समस्या है, पानी भर जाता है बरसात का, ना बरसात तो पानी बरसता उसमें पूरे घरों में पानी भरने लगा। अभी क्या स्थिति बनी? अभी दिन पानी गिरा था, यहाँ पानी गिरा था तो घरों में अंदर आने लगा था पानी। तो प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है? प्रशासन से बात होती है तो बोलते व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी कितने दिन पहले आपने बोला था और अभी तक क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? व्यवस्था प्रशासन ने कुछ नहीं करी, नाली साफ कराने चले गए, नाली साफ कराने से कुछ नहीं होता, पानी तो अंदर बाहर रोड को उस तरफ जा ही नहीं दिया जी, तो पानी घरों में भरा तो भरते ही रहेगा। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये पानी ये कॉलोनी भरा रहा है, ये रोड को उस तरफ पार कैसे हो इसके लिए पूरा प्रशासन ने हमारे यहाँ नगर परिषद में प्रत्येक वार्ड प्रभारी के साथ एक बैठक की है। पूरी बैठक करने के बाद प्रशासन और नगर पालिका ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है कि हम आपकी बार भैया कॉलोनी को पहले से अच्छी बेहतर व्यवस्था देंगे। इसके लिए वर्तमान में बंसल कंपनी के द्वारा जो दूसरी पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसके माध्यम से भी पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। चूंकि पूरी कॉलोनी एक प्रकार से अवैध कॉलोनी है और हम इसके लिए नोटिस भी CMO के माध्यम से जारी करवा रहे हैं, जो भी उसमें विक्रेता रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट खरीदे हैं। ऐसी कॉलोनियों में जो कि बिल्कुल निचले स्तर पर पहले से जल भराव की समस्या रहती थी, थोड़े मकान भी ऊँचे उठाने थे, उन लोगों ने इसके लिए प्रयास नहीं किए, कहीं ना कहीं प्रशासन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आगे चलकर हम उसमें एक सामने नाले का भी प्रावधान कर रहे हैं और इसके लिए बंसल कंपनी से भी हमारी चर्चा हो गई है, उन्होंने एस्टीमेट में इसे शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे ही यह प्रस्ताव मंजूर होता है पक्का नाला बनवाया जाएगा, चूंकि अब बरसात आने वाली है, ऐसी स्थिति में हम कच्चे नाले के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आराध्य साइनेज लेकर आए हैं सैनिटाइजर पैडल स्टैंड, जिसमें आप बिना पंप को छुए अपने हाथ कर सकते हैं सैनिटाइज। सैनिटाइजर पैडल स्टैंड खरीदने के लिए करें तुरंत संपर्क, मोबाइल नंबर 7610505011।